आज हम अपनी इस वीडियो में इंडिया का कुछ एक कंट्रीज़ के साथ रिलेशन देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर थर्ड का ये टॉपिक है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल क्या थे और उस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा था। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारी फॉरेन पॉलिसी बन गई तो उसके बाद हमारे रिलेशन बाकी के कंट्रीज़ के साथ कैसे रहे। तो यहाँ पर हम कुछ कंट्रीज़ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस की। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के काफ़ी सारे सेक्टर में हमारे इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडियन बॉर्न है, वो सारे के सारे लोग हमारे यूएस में काम कर रहे हैं अलग अलग शहरों में। तो यहाँ पर एक डाटा है जिसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि यूएस में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यूएस में अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको करवाने का मेन कंट्रीब्यूशन किसको जाता है, वो है हमारे इंडियंस, जो कि वहाँ जाकर लगातार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर हम यूएस का रिलेशन देखें तो इंडिया जो है उसका रिलेशन यूएस के साथ स्टार्टिंग में सही नहीं था, लेकिन 1970s के बाद उसका रिलेशन थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगा यूएस की तरफ, लेकिन फाइनली 1990s में हमारा जो रिलेशन है किसके साथ, यूएस के साथ, वो बहुत ज़्यादा मतलब यूएस के फेवर में रहा, यूएस के साथ में रहा। तो स्पेशली अगर हम इसको क्लेरिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि यूएस के साथ रिलेशन हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बनाकर नहीं रखा था, बल्कि हमारी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उनका एक झुकाव जो था, एक जो डिक्लाइननेस थी, वो किसके साथ में थी, यूएसएसआर के साथ। जबकि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद यूएसएसआर टूट गया और हमारी इंडिया में भी उस समय कोएलिशन का एरा स्टार्ट हो गया और यहाँ पर कोएलिशन जो गवर्नमेंट थी उनका मेन जो फोकस वो किसके ऊपर हो गया, यूएस के ऊपर हो गया। तो हमने देखा कि 1990s के बाद हमारी गवर्नमेंट जो थी वो किसकी तरफ टिल्ट होने लगी, यूएस की तरफ, और हमारे रिलेशन इसके साथ क्या होने लगे, अच्छे। लेकिन 1990s से पहले हमारे रिलेशन यूएस से बहुत कम थे और हमारे रिलेशन सबसे ज़्यादा किसके साथ में थे, यूएसएसआर के साथ में। अब बात ये आती है कि अब हमारे जो रिलेशन है यूएस के साथ अच्छे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात ये करना चाहते हैं कि यूएस के साथ रिलेशन रखने के लिए हमने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ की थी। तो हमारे थिंकर्स ने तीन तरह की कैटेगरीज हमारी इंडिया के लिए बनाकर रखी थी कि यूएस के साथ रिलेशन जो है वो तीन मेथड के साथ होना चाहिए। पहला मेथड है हाइड मेथड, दूसरा मेथड है बैंड वैगन मेथड, और तीसरा जो मेथड है वो है प्रोटेस्ट का। तो यहाँ पर अगर इंडिया को ये लगता है कि वो यूएस से कम नहीं है, वो सुपर पावर है, वो यूएस से दबकर नहीं रह सकती, ना यूएस से छुपकर रह सकती है, और वो दबे क्यों, वो छुपे क्यों, वो उसके साथ में उसके अंडर में काम क्यों करे, बल्कि उसके साथ में रहकर बराबरी का एक स्टेटस लेकर काम करे। तो यहाँ पर हमारे स्कॉलर्स ने कहा कि तब इंडिया जो है उसको कैसी पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए, प्रोटेस्ट की। अगर इंडिया को ये लगता है कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, अभी वो सुपर पावर नहीं है, उसे यूएस के साथ में ही चलकर रहना चाहिए, तभी उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि इससे टेक्निक्स भी आएंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कैपिटल भी आएगा, पैसा भी आएगा। तो इंडिया को कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए यूएस से रिलेशन के लिए, वो है बैंड वैगन पॉलिसी, यानी यूएस बैंड बजाए और उसी बैंड पर कंट्री क्या करे, अपना डांस करे। तो यहाँ पर ताल में ताल मिलाकर इंडिया को किसके साथ में चलना होगा, अमेरिका की। तीसरी जो पॉलिसी है जो कि हमारे क्रिटिक्स ने बताई थी कि अगर उसे यूएस की इन दो पॉलिसी से रिलेशन नहीं बनाना है, तो तीसरी पॉलिसी ये है कि इंडिया को छुप जाना चाहिए, मीन्स हाइड हो जाना चाहिए।
इंडिया को अमेरिका की नजर में नहीं आना चाहिए, अपना डेवलपमेंट करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, उसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ना तो उसके अगेंस्ट में बोले, ना उसके फेवर में बोले, ना अच्छे में ना बुरे में, वो अपना डेवलपमेंट कर रही है, इससे उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो वो अपना काम किस तरह से करे, हाइड होकर करे। तो ये तीन मेथड्स है जिससे कि हम अपने यूएस के साथ रिलेशन बना सकते हैं, और हमने इन तीनों पॉलिसी को यूज करके अपना रिलेशन यूएस के साथ बनाया। कभी कभी हम यूएस से हाइड हो गए जब उन्हें लगा, जब हमारी कंट्री को लगा कि हमें यहाँ पर नहीं कुछ बताना है। तो यहाँ पर जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट जो 1998 में किया था, वो हाइड रहकर ही किया था। प्रोटेस्ट कब किया, जब ऐसा लगने लगा कि अमेरिका जो है वो उसने जब इराक पर अटैक किया था 2003 में, और जब इराक और कुवैत के बीच में इंटरफेयर किया था, और जब उसने इजराइल पर भी अटैक किया था, तो उस समय इंडिया जैसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज एक हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट की पॉलिसी यूज करी। तो उस समय हमारे रिलेशन यूएसए कैसे थे, प्रोटेस्ट वाले। लेकिन आज अगर हम रिसेंटली कहें कि हम यूएस का क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम यूएस से हाइड हो रहे हैं, तो नहीं, हम यूएस का फेवर करते हैं। और हमने इस समय उसके रिलेशन में कौन सी पॉलिसी यूज करी है, बैंड वैगन की। ओके, तो ये है इसके तीन मेथड जिसका कि हम यूज टाइम टू टाइम करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और यूएस का रिलेशन चलता रहता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्री की, तो वो है रशिया। रशिया जैसा कि हमें पता है कि वो किसका सक्सेसर है, यूएसएसआर का सक्सेसर है। 1991 के बाद सारी ट्रीटी, सारा स्टेटस यूएसएसआर ने किसको दे दिया था, अपने नेक्स्ट सक्सेसर रशिया को। मैंने आपको अभी बताया कि यूएसएसआर के साथ हमारे इंडिया के रिलेशन शुरू से अच्छे रहे। 90s के बाद हमारे रिलेशन यूएस से अच्छे हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पुराना जो फ्रेंड है रशिया यानी यूएसएसआर, उसके साथ हमारे रिलेशन बिगड़ गए, ऐसा नहीं है। हमारे रिलेशन तब भी अच्छे थे और आज भी हमारे रिलेशन जो है वो रशिया से अच्छे हैं। हम दोनों कंट्रीज एक जैसा सोचते हैं, बहुत सारे मैटर है जिसमें हमारा और उनका जो है एक जैसा थिंकिंग है, जैसी किस किस चीज को लेकर है। यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी फॉरेन पॉलिसी की, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी या उनकी फॉरेन पॉलिसी या किसी और कंट्री की फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, ऐसा रशिया और इंडिया सोचते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है कॉमन इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर इंडिया और रशिया का ये मानना है कि जो जनता के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जो डिमांड्स होती है, उन्हें गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। ये दोनों मानकर चलते हैं। इसके लिए उन्होंने डेवलपमेंट का एक ही मेथड यूज करा, कौन सा, प्लानिंग कमीशन। ये याद रखना कि हमने ये वाला जो मॉडल यानी जो प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया लिया था, जो 1950 में सेटअप किया था, वो वाला जो प्लानिंग कमीशन है, इसका आइडिया प्लस जो FYP यानी 5 ईयर प्लान का जो आइडिया था, वो हमने किससे लिया था, रशिया यानी यूएसएसआर से लिया था। तो इस तरह से जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट और डिमांड है, वो हम इस मैटर पर, हमारी दोनों की सोच क्या है, सेम है। नेक्स्ट आता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। अगर हम बात करें कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की, तो दोनों ही कंट्री ये चाहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमेशा काफी सारी कंट्रीज के बीच में चलनी चाहिए, सिर्फ दो कंट्री के बीच में या पूरा वर्ल्ड एक ही कंट्री के अंडर में रहे, ये सही नहीं है। बल्कि वर्ल्ड को कैसा होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में काफी सारी सुपर पावर्स या कंट्रीज होनी चाहिए जिससे कि मोनोपोली नहीं चले। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी को लेकर, जिसको हम कहेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही कंट्री ये चाहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा राइज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी में हर एक जो ग्रुप होता है
वो ग्रुप सारे कंट्रीज को प्रोटेक्ट करता है। तो यहां पर यदि एक पर अटैक होता है तो उसके बाकी के फ्रेंड उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो हर एक कंट्री के पास में होनी चाहिए। इट मीन्स हर कंट्री के पास में ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो उसको प्रोटेक्शन दे। ठीक है, लास्ट जो हमारे मैटर है जिसके लिए हम दोनों ही एग्री करते हैं वो है रिस्पेक्ट ऑफ यूएन। यूएन की रिस्पेक्ट जो है वो रशिया भी करता है, उससे पहले यूएसएसआर भी करता था। सेम हेयर हमारे यहाँ पर भी हमेशा यूएन को प्रोटेक्शन, यूएन को हमने रिस्पेक्ट करी है, यूएन हमें हमेशा प्रोटेक्शन देता है। और हमने तो अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी ये प्रिंसिपल रखा है कि हमारी सरकार जो है वो हमेशा यूएन के सपोर्ट में या उसके फेवर में ही काम करेगी, कभी उसके अपोज में काम नहीं करेगी। तो ये कुछ मैटर्स है जिस पर हमारी और रशिया की बिल्कुल एक जैसी सोच है। अगर हम अब बात करें अपने रिलेशंस का, तो हमें पता होना चाहिए रशिया एक सुपर पावर थी और है। तो यहाँ पर हमें जितने भी ऑयल्स वगैरह है यानी पेट्रोलियम वगैरह है वो सारे रशिया से सप्लाई होते हैं। जो भी हमारे साइंस के रिसर्च है, जो टेक्निक्स है, वो भी सारी कहाँ से सप्लाई होती है, रशिया से होती है। जो भी हमारे वेपन्स है या फिर न्यूक्लियर टेक्निक्स है वो भी हमें कहाँ से सप्लाई होती है, रशिया से होती है। इसका मतलब हम रशिया के बहुत बड़े क्या है, मार्केट है, हमारा एक बाजार है जो कि रशिया के काम आता है। रशिया भी हमारा इसीलिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि उसे पता है कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी या पैसा कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। लास्ट फाइनली वैसे तो हमारे एग्रीमेंट रशिया के साथ होते रहते हैं, लेकिन 2001 में हमने काफ़ी सारे एग्रीमेंट जो है वो रशिया के साथ में किए ताकि हमारे और उसके रिलेशन क्या हो जाए, अच्छे हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे और रशिया के संबंध शुरू से लेकर आज तक अच्छे रहे हैं, कभी भी हमारे बीच में इतना बड़ा गैप या मनमुटाव नहीं हुआ। तो ये लड़ाई या छोटा मोटा डिस्प्यूट हमारा अमेरिका के साथ हो गया लेकिन रशिया के साथ कभी नहीं हुआ। हमारी सोच ऐसी है, हमारी सोच एक जैसी है, हमारी जो टारगेट, हमारी जो ऑब्जेक्टिव, हमारा जो फोकस है हम दोनों कंट्री का, वो ज़्यादातर मोस्टली हम अगर ऐसा कहें कि वो सेम है, इसलिए हम दोनों कंट्रीज की आपस में काफ़ी बनती है। ठीक है, तो ये हुए हमारे रशिया के साथ संबंध। अब हम नेक्स्ट जो कंट्री लेती है वो है चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो ये हमारा इमीडिएट नेबर कंट्री है, बिल्कुल पास का पड़ोसी देश है जिसके संबंध हमारे साथ रिसेंटली सही नहीं है। लेकिन अगर हम इसके ट्रेवलिंग देखें तो ऐसा नहीं था। चाइना के साथ हमारे रिलेशन नेहरू के समय बहुत अच्छे थे और चाइना का जो प्रेसिडेंट था वो नेहरू का बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो हम देखते हैं कि हमारे रिलेशन कड़वे कब हुए, कब हमारे रिलेशन में एक पॉइजन जो है वो सामने आया। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिया और चाइना का वो स्टेटस जो कॉलोनियल पीरियड से पहले का था, जब चाइना भी फ्री था किसी सुपर पावर से और हमारे ऊपर भी ब्रिटेन की नज़र नहीं पड़ी थी। उस समय एशिया कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो ही सुपर पावर थी, वो कौन कौन सी थी, एक थी चाइना और एक थी इंडिया। दोनों ही अपने एरिया में सुपर पावर थे, दोनों ही अपने राइट्स को, अपनी पावर्स को एंजॉय करते थे, दोनों का ही एक दबदबा था अपने एरिया में, अपने रीजन में। ठीक है, सेकंड चीज आती है यहाँ पर, अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो इन दोनों का इंट्रैक्शन था वो क्या था, वो बहुत कम था। इसका मतलब है कि यहाँ पर चाइना और इंडिया का लेस इंट्रैक्शन होने के कारण ये दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते थे। दोनों एक दूसरे की पावर, राइट्स, कल्चर, रिचुअल्स, ट्रेडिशनल, इन चीज़ों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें नहीं पता था चाइना में किस तरह का सिस्टम है, कौन सी कल्चर है, क्या कंट्री वो कर रहा है। सेम चाइना को भी इंडिया के बारे में इतना कुछ नहीं पता था क्योंकि दोनों का जो संपर्क था, दोनों की जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे।
तो ये जान पहचान कब हुई? ये जान पहचान हुई यूएनओ के थ्रू। यूएनओ के थ्रू कब हुई? जब 1949 में जो चाइना था वो कम्युनिस्ट बन गया था। कम्युनिस्ट बनने के बाद चाइना ने यूएन की मेंबरशिप लेनी चाही, तो यहाँ पर यूएनओ के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि वो चाइना को इसमें मेंबरशिप नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है। अब यहाँ पर कम्युनिस्ट कंट्री होना जो था वो चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि यूएनओ में जो अमेरिका था वो ये चाहता था कि रशिया तो ऑलरेडी कम्युनिस्ट है, अब वो एक और कम्युनिस्ट को टॉलरेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इंडिया ने चाइना का साथ दिया और उसको यूएनओ को प्रेशराइज करा कि वो इसकी मेंबरशिप ले। तो फाइनली यूएनओ में उसको मेंबरशिप दिलाने का मेन काम किसने करा? इंडिया ने किया। जैसे ही इंडिया के कारण उसको मेंबरशिप मिली तो 1950s के आसपास हमारे और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। इतने अच्छे हुए कि एक स्लोगन जो था हिंदी चीनी भाई भाई, ये जो स्लोगन था ये 1950s के अराउंड में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, अब इसी समय जब हमारे रिलेशन अच्छे थे तो दोनों की बाउंड्रीज में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने के कारण वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्स को लगाया गया। तो पैरा मिलिट्री फोर्स वो होती है जिनके पास में हथियार कम होते हैं, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज में इतनी ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं थी। ठीक है, अब आगे हमारे रिलेशन और भी अच्छे हुए। कब अच्छे हुए? 1954 में, जब हमने और चाइना ने दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करा जिसको बोला गया पंचशील। पंचशील का मतलब है पांच बातें। अब ये पांच बातों में जो चाइना और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पर कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेहरू और प्लस दूसरे वहां पर कौन थे? वो थे एनलाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनलाई थे उन्होंने पंचशील पर सिग्नेचर करे, यहाँ पर नेहरू ने सिग्नेचर करे। ये पंचशील एग्रीमेंट दोनों के बीच साइन हुआ जिसमें बातें थी, एक तो दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, सेकंड दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, थर्ड दोनों एक दूसरे की यूनिटी में कभी कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, फोर्थ दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज यानी इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, लास्ट दोनों एक दूसरे से जो इकोनॉमिक है पॉलिटिकल रिलेशन है उसको बनाए रखेंगे या फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से पंचशील में पांच बातें थी, कॉर्पोरेट करना, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ है उसको बनाए रखना। तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन बन ही रहा था कि उस समय एक मैटर आ गया, वो मैटर था तिब्बत का। तिब्बत का मैटर जो था वो स्टार्ट हुआ क्योंकि ये हमारा बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच में। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो उस वो एक लाइन करके गए थे जिसमें तिब्बत का हाफ पार्ट इंडिया में आता था और हाफ पार्ट चाइना में जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पर गए, चाइना सुपर पावर हो गया और उसने उसकी उन लाइन को मानने से मना कर दिया। उसने पूरे तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया और वहां की जनता को टॉर्चर करना स्टार्ट किया। वहां की जनता फोर्सली माइग्रेट होकर इंडिया में आने लगी, इंडिया में रिफ्यूजी की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। नेहरू ने एनलाई से बात करी, एनलाई ने नेहरू के यहाँ पर यानी इंडिया में विजिट किया और उनको मतलब सेटिस्फाइड किया कि वो तिब्बत को पूरे राइट्स दे रहे हैं, उनकी कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, वो सही तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन तिब्बत का एक जो स्पिरिचुअल लीडर था जिसका नाम था दलाई लामा, दलाई लामा जो था वो नेहरू से मिला और उसने बताया कि एनलाई की गवर्नमेंट किस तरह से तिब्बत के लोगों को टॉर्चर कर रही है। तो दलाई लामा को नेहरू ने अपने यहाँ पर एक तरह से आश्रय दिया, उसको यहाँ पर शरण दी। दलाई लामा ने यहाँ पर एक असाइलम बनाया धर्मशाला जगह पर। इससे एनलाई जो थे यानी चाइनीज जो गवर्नमेंट थी वो नेहरू से मतलब वो हो गई, एक तरह से चिढ़ गई या फिर उन्हें गुस्सा आया इस बात पर कि तिब्बत के लोगों को ये अपने पास क्यों रख रहे हैं, दलाई लामा वहाँ क्यों रह रहा है और जो इंडिया है वो लगातार तिब्बत पर अपना कंट्रोल क्यों करना चाह रहा है।
तो यहां पर फाइनली हमारे रिलेशन बिगड़ गए तिब्बत को लेकर। उसी समय चाइना ने एक और काम किया, हमारे दो टेरिटरी, एक तो है नेफा, नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, उस समय नेफा का मतलब था अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया को वो कंट्रोल यानी उस पर वो अपना अधिकार करना चाहते थे। साथ में उनका अधिकार किस पर होना और था, वो था अक्साई चिन। अक्साई चिन जो है वो लद्दाख में है। तो ये दो जुदो जोद एरिया थे, इन पर भी चाइना ने अपना क्लेम कर दिया, मीन्स दावा कर दिया कि ये भी मेरे अंडर में आएंगे, तिब्बत के साथ मैं इनको भी लूंगा। तो यहाँ पर नेहरू उनसे गुस्सा हो गए और फाइनली हमारे बीच में जो स्टार्ट हुआ वो था वॉर 1962 का। 1962 के वॉर के बाद तो हमारे और चाइना के रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए। यही वो वॉर था जिससे कि हम दोनों के रिलेशन में एक जहर जो था वो मतलब स्टार्ट हो गया। हमारे और उसके रिलेशन इतने खराब हो गए कि हम दोनों के बीच में जो बात करने का टाइम था वो भी नहीं था, कोई भी इंटरेक्शन हमारा था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। फाइनली 1988 के समय हमारे जो राजीव गांधी थे वो चाइना गए और वहां से रिलेशन उन्होंने सही करने स्टार्ट करे। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जब हमारे रिलेशन जो चाइना से स्टार्ट होने शुरू हुए, कब के बाद, 1962 के बाद। फिलहाल 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा तो हमारे रिलेशन फिर थोड़े से खराब हुए, क्योंकि चाइना को सही नहीं लग रहा था कि हमारे पास में ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है इसकी पॉलिसी आ जाए, इसकी टेक्निक्स आ जाए। तो इसके कारण उसने यानी चाइना ने किसको सपोर्ट देना शुरू करा, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने अगले ही साल न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया जिससे कि हम नाराज हो गए। तो कहने का मतलब है रिलेशन खराब तो 62 में हो गए थे, 88 में थोड़े से सही होने शुरू हुए लेकिन 98 में फिर बिगड़ गए। और लास्ट फाइनली इस समय हमारे और चाइना के रिलेशन सही नहीं है, लगातार जो चाइना की इंपीरियलिज्म की जो पॉलिसी है वो इंडिया को सही नहीं लगती है। चाइना लगातार हमारी बाउंड्रीज पर अपनी नजर रखता है, वो चाहता है कि वो पूरे लद्दाख को ले ले। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो अपनी इंटीग्रिटी की पूरी प्रोटेक्शन करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा चाइना के साथ हमारे रिलेशन सही थे लेकिन 62 में क्या हो गए, खराब हो गए। लास्ट अब हम जो कंट्री ले रहे हैं जिसका नाम है इजराइल। इजराइल को हम कभी भी 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ते थे क्योंकि इसका रिलेशन हमारा जो है वो अब न्यू सिलेबस में जुड़ा है। इससे पहले हम इन तीन कंट्रीज को पढ़ते थे लेकिन इजराइल के बारे में हम सिर्फ कुछ बातें कहेंगे जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले इजराइल के बारे में हमें कहना है कि 45 ईयर्स के बाद यानी हमारी इंडिपेंडेंस के 45 साल बाद हमने इस्लामिक कंट्री से अपना रिलेशन बनाना स्टार्ट करा। इजराइल कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है लेकिन जो वेस्ट एशियन रीजन है यानी मिडल ईस्ट रीजन है वो सारा इस्लामिक कंट्री ही है। उसमें एक जो ये एक कंट्री है ये नॉन इस्लामिक है। तो इस रीजन की तरफ हमारे इंडिया का ध्यान 45 साल बाद गया, उनको लगा कि हमारा रिलेशन जो है इन कंट्रीज से भी होना चाहिए ताकि हमारा जो अगर रिलेशन बना सारे कंट्रीज से तो उससे एक तो पॉपुलैरिटी गेन होती है, एक हमारे बीच में डेवलपमेंट भी होगा। तो इस बात को लेकर हमारे रिलेशन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रीजन से हमारे रिलेशन जो है वो 45 साल बाद स्टार्ट हुए। कहां पर स्टार्ट हुए, मिडल ईस्ट रीजन। तो ये मिडल ईस्ट जो रीजन है उसमें मेनली कौन सा कंट्री आता है, इजराइल, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी पहली एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि हमारे यहां पर इंडिया का रिलेशन सबसे पहले इस रीजन में किससे हुआ, वो था इजराइल। इजराइल से हमने काफी सारे अपनी कल्चर को, अपनी पॉलिटिकल रिलेशन को, अपने इकोनॉमिक रिलेशन को बनाना स्टार्ट करा। इसके लिए सबसे पहले हमने 1992 में
एक एम्बेसी, और ये एम्बेसी किसकी थी, ये एम्बेसी थी इजराइल की, तो इसको बोलते हैं राजदूतावास, हमारे यहाँ पर सेटअप हुआ, जिससे कि इजराइल का एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपनी एम्बेसी में रहने लगा। हमारे इंडिया के और इजराइल के रिलेशन पर वो लगातार बात करता, उसे बताता, सही बनाने के अच्छे अच्छे जो मेथड्स है वो भी बता रहा था। इससे हम दोनों के बीच में इंट्रैक्शन शुरू हुआ। कब? 1992 में, जब इजराइल की एम्बेसी को हमने इंडिया में सेटअप होने दिया। लेकिन फाइनली हमारे रिलेशन जो इसराइल से अब है, उसका मेन जो कंट्रीब्यूशन या मेन एप्रिसिएशन जो जाएगा, वो जाएगा एनडीए को। एनडीए जिसको कि एनडीए को लीड कौन करता है, जो है बीजेपी। और बीजेपी ने अपने इस रिलेशन को इसराइल से कब स्टार्ट किया था, 1996 में, उसके बाद 98 में, और उसके बाद अब तो हमारे रिलेशन इसराइल से बहुत अच्छे हैं। इसराइल के जो प्रेसिडेंट है हमेशा इंडिया के बारे में अच्छा बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्प जो है वो इंडिया को देते हैं। तो हमारा यहाँ पर तीन फैक्ट को लेकर इसराइल की जो रिलेशन है उसको हमें डिस्क्राइब करना है कि 45 साल बाद हमने इसराइल से अपने संबंध बनाने के बारे में बात करी। हमने इस्लामिक रीजन में एक नॉन इस्लामिक रीजन से बहुत अच्छे रिलेशन बनाए। 92 में उसकी एम्बेसी इंडिया में सेटअप की, ताकि हमारे और इसराइल के रिलेशन क्या हो, अच्छे हो। फाइनली इसमें कौन सी गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से दिया, वो थी एनडीए की गवर्नमेंट, जो कि लेड बाय बीजेपी है। उसने 96 में और 98 में इसराइल के साथ अपने एग्रीमेंट साइन करे। और फाइनली आज अगर हम रिसेंट इसका स्टेटस देखें, तो हमारे और इसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे रिलेशन हर एक कंट्री से अच्छे है, सुपर पावर से अच्छे है। लगातार इंडिया इसी बात की तरफ एफर्ट करती है कि वो अपने रिलेशन बाकी कंट्री से अच्छे बनाए। इसके लिए हमारी सरकारें लगातार काम कर रही है।